क्या नाम है, किस गांव के रहने वाले हैं? मुनील कुमार मदेसिया, ग्राम रुद्रपुर सीमा। जब घटना हुआ आप मौके पर पहुंचे तो यहां का मंजर कैसा था? मंजर तो बहुत भयानक था। वहां पे दो आदमी फंसे थे, उनको हम लोग मतलब आरी ओरी से काट के जैसे भी होता निकाले। उसके बाद वहां पे लगभग 3 से 4 लोग वहां पे फंसे थे, तो उन लोग को तो मतलब बाद में निकाला गया, लेकिन इन लोग को हम लोग को जो लोग पहले दिख रहे थे उनको पहले निकाला गया। जी, उन लोग की आवाज आ रही थी कि मतलब ऐसे करके पड़े थे तो नीचे की तरफ मतलब जो मुंह था नीचे की तरफ, मतलब सबका सर नीचे हो गया था, बॉडी धसी हुई थी, बॉडी धसी हुई थी। जी, और क्या लोग बोल रहे थे पहली बार जब आप पहुंचे तो? पानी मांग रहे थे, पानी 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 मांग रहे, क्योंकि दुर्घटना में लोग अक्सर डर जाते हैं तो पहले पानी ही मांगते हैं। जी, और यहाँ पर जब आप पहुंचते हैं तो आप क्या देखते हैं कि जो लोग दबे हुए हैं, चूंकि मैं देख रहा हूँ लेंटर अभी जल्दी ही ढाला गया था, तो पूरा जो उसका मसाला होता है मलबा वो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का गीला था, तो लोगों के मुंह में वगैरह में आंखों में नहीं ना गया? नहीं नहीं, ऐसे नीचे गए जो ऊपर की तरफ रहते तो मुंह में जाता ही, क्योंकि वो लोग नीचे की तरफ झुके हुए थे, बस झुके हुए थे। आरी ओरी से मतलब काट उठ के हम लोग उसको सुरक्षित निकाले, और रात में लगभग 9 बजे के बाद एक लाश मिली, उसके मतलब 8-8 बजे के टाइम में मतलब दो लोग को निकाला गया। अच्छा, आपके अंदाज से क्योंकि गिर चुका है, मेरे अंदाज से तो बहुत मोटा ये छत रहा होगा। जी, कितना मोटा रहा होगा क्योंकि इतना गिरने के बाद? तो एरिया तो 5-6 हजार का एरिया था। जी, अच्छा। और अभी जो सूचना मिल पा रही है, जो हमें पता चला है कि लिंटर का शटरिंग जो था वो ढीला था बताया जा रहा है, बांस वगैरह टूटने से ही हादसा हुआ है ना? इसके विषय में तो जानकारी नहीं है, मतलब हम तो मतलब जब हो रही थी तो हम देखे नहीं थे कि कैसा था, लेकिन जो जिस समय हम लोग पहुंचे थे उस समय यही दिख रहा था कि मतलब दो लोग फंसे थे, उन लोग को हम लोग सुरक्षित निकाले जिनको निकाल पाए, और बाकी जो लोग उसमें फंसे थे वहां से तो मतलब जब रेस्क्यू टीम आई दो लोग को तो हम लोग निकाल ही दिए थे, बाद में जब NDRF की टीम आई तो उनको मतलब निकाला गया। 3:30 बजे लगभग ये हादसा होता है। जी, कितने घंटे रेस्क्यू अभियान चला? 6 से 7 घंटे चली। जी, 9 बजे तक चली है। हमारे साथ इस गांव के प्रधान जी सर्वेश मदेसिया हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर ये घटना कैसे हुई और किस वजह से हुई। प्रधान जी ये बताइए, जब घटना हुआ आपको पता चला, मौके पर पहुंचे तो क्या स्थिति थी यहाँ की? स्थिति सर बहुत उथल पुथल थी। हम जब पहुंचे तो पता चला कि 8 से 10 मजदूर नीचे दबे हुए हैं, कुछ लोगों को ऊपर जो छत के ऊपर उन लोगों को निकाल लिया गया था, लेकिन जो नीचे दबे थे वो 5 लोगों की पुष्टि हुई थी, नीचे 5 लोग दबे थे, जिनमें से रेस्क्यू टीम गाँव के बच्चों के साथ मिल करके चलाया गया। पहले तो 4 लोगों को निकाला गया जिसमें 2 मृत पाए गए थे और 2 लोग जिंदा बचे थे। लास्ट में 1 बॉडी नहीं मिल रही थी, उसके लिए NDRF, SDRF, पूरी रेस्क्यू टीम, जिले की प्रशासन, मतलब पूरा अमला यहाँ जुट गया था। तब तक 1 बॉडी नहीं मिल रही थी, बगल के गांव का लड़का था जिसका नाम था रमा शंकर, वो बॉडी मिली है लगभग 8-8 बजे के आसपास। पूरा जब रेस्क्यू टीम जुट गई है, खोजी कुत्ते आए हैं, अपना अनुभव से सब पता किए हैं, तब वो लास्ट में मिला है, वो भी मृत अवस्था में मिला है। अच्छा, ये बताइए, ये घटना जब हुआ उसके बाद DM भी पहुंचे, SP पहुंचे, तो उनके द्वारा क्या कहा गया? उनके द्वारा ही कहा गया कि दूसरे के ऊपर कार्रवाई होगी, परिजनों को जो जिनके बच्चे मृत हुए हैं उनको 5-5 लाख रुपया हम शासन से सहायता दिलवाएंगे, बाकी और जो भी है घायल हैं उनके साथ सहानुभूति है और जो इलाज में उचित इलाज होगा कराया जाएगा। इस पूरे मामले में अभी तक कार्रवाई क्या हुई है, कहाँ तक पहुँचा है पूरा चीज, इसके विषय में तो कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, खबरें आ रही हैं कि जो मेरे झाल के मालिक हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, ठेकेदार का भी, हमको भी पता चला इस टाइम, अभी थाने से फोन नहीं आया था मेरे पास कि 2 लोगों को उठाया गया जिसमें एक ठेकेदार थे सेटरिंग के प्रमोद पासवान और जो मालिक हैं राम अवतार प्रजापति। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इसमें पूरा कहीं ना कहीं आप गांव के प्रधान हैं, कहां से कमी रह गई और किस वजह से ये दुर्घटना हुआ, वो तो जांच का विषय है, लेकिन आपके अनुभव है? क्या अनुभव हम लोगों के पास रहेगा, अगर अनुभव रहता तो इतना बड़ा हादसा होने ही नहीं पाता। ये कोई नहीं चाहता कि मतलब इतने लोगों के जिंदगी के साथ कोई खिलवाड़ करेगा, जो भी होता है अपने हिसाब से लोग करते हैं। और तो पता चल रहा है कि इसका नक्शा भी, जो अभी खबरें में चल रही है कि नक्शा इसका अवैध था सर, ये सब चीजें तो अंदर की बातें हैं, कहाँ से क्या था ये तो हमको पता नहीं है। अच्छा प्रधान जी, जो मृतक है 3 लोग, उनके घर पे अगर आप गए होंगे या सूचना मिल पा रही है तो क्या स्थिति हो रही है किसी के घर पे? भैया ये स्थिति जब आती है, भाई 2 पैसा कमा के ले जाते थे, घर परिवार उनका चलता था,
तो उससे बड़ी त्रासदी उन लोगों के लिए क्या होगी। अभी तत्काल में क्या मदद उनको मुहैया कराया गया है आपके अगर जानकारी के अनुसार पूछे? अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन जो भी शासन प्रशासन से होगा प्रयास किया जाएगा उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा मदद मिले। बिल्कुल, तो ये पूरा घटनाक्रम आपके आपको हमने बताया और पूरा बयान भी सुनाया जितने भी लोग प्रत्यक्षदर्शी थे। साथ ही साथ ये पूरा मामला जो हुआ है यह किसकी वजह से हुआ है, किसकी लापरवाही से हुआ है, उस पूरे मामले पर आप अपना क्या राय रखते हैं, हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप उसमें अपने जो विचार हैं वो व्यक्त कर सकते हैं।